2023 के आईपीएल के लिए अपनी कमर जरूर कस लीजिए, क्योंकि इन 10 खिलाड़ियों ने जो कि इस साल आईपीएल नहीं खेले थे 2023 के अगले आईपीएल में खेलने की पूरी तैयारी कर ली है। कौन है ये प्लेयर्स, किस टीम में खेलेंगे, सब बताऊंगा। एंड तक वीडियो को देखिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आप तमाम खबरें, न्यूज, फैक्ट, अपडेट सबसे पहले देते हैं। तो भैया लाइक और शेयर तो आप कर ही देते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लाल बटन नीचे हिट कीजिए और बेल आइकन दबाइए। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं, और पहले खिलाड़ी जिसको शायद इस लिस्ट में सबसे ऊपर रखना और नहीं रखना बेमानी बात होगी, वो है भैया स्टीव स्मिथ। स्टीव स्मिथ की वापसी एक तरह से कंफर्म मानी जा रही है, और इस साल कई टीमें ऐसी थी दोस्तों जो इनको ना लेकर पछता रही थी, और इसका सबसे बड़ा कारण था कैप्टेंसी फैक्टर। आपको बता दूं कि स्टीव स्मिथ ने एक लंबा अरसा आईपीएल में और इंटरनेशनल क्रिकेट में कैप्टेंसी करके गुजारा है। हालांकि वो जो बॉल टेम्परिंग का इंसिडेंस हुआ था साउथ अफ्रीका में, उसके बाद से इनकी कप्तानी गई थी, बट चेन्नई सुपर किंग्स की टीम जरूर इनकी तरफ देख रही होगी, क्योंकि ना सिर्फ इस साल चेन्नई के लिए, आने वाले सालों में एक स्टेबल कैप्टन की जरूरत है, बिकॉज महेंद्र सिंह धोनी रहेंगे नहीं। एंड 2023 के आईपीएल में चेन्नई एक स्टेबल कैप्टन ढूंढेगी, जैसे कि आरसीबी की टीम ने फाफ डु प्लेसिस को ढूंढा, और स्टीव स्मिथ इसका एक सबसे बेस्ट विकल्प होने वाला है। तो स्टीव स्मिथ वापसी करेंगे चेन्नई की टीम में। दूसरे प्लेयर कौन है दोस्तों जिन्हें हमने इस लिस्ट में रखा, वो है जोफ्रा आर्चर। जोफ्रा आर्चर को तमाम खबरें, न्यूज, फैक्ट, अपडेट जो लेकर आती है जोफ्रा आर्चर को लेकर, वो मैं आपको बताता ही रहता हूं, और इसीलिए इस लिस्ट में उनका नाम है। लेकिन एक चीज बता दूं कि आईपीएल की तमाम खबरें, न्यूज, फैक्ट, अपडेट सबसे पहले टेलीग्राम पर भी हम दे रहे हैं आपको, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। गूगल पर जाइए, द रियल एमसीपी सर्च कीजिए, सर्च रिजल्ट में जो पहला रिजल्ट आएगा उसे खोलिए, आप हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम पेज पर पहुंच जाएंगे। ये गूगल वाले तरीके से फॉलो करना, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली फॉलो करेंगे, सर्च करेंगे टेलीग्राम पर, हम मिलेंगे नहीं, हमारे नाम से फेक अकाउंट बहुत है। तो गूगल वाले तरीके से फॉलो कर लो, द रियल एमसीपी सर्च कर लो, मजा जाएगा। आईपीएल की पिन पिन बराबर की खबरें सबसे पहले वहां पर दे रहा है। चलिए लिस्ट में आगे बढ़ते हैं, दूसरे खिलाड़ी जोफ्रा आर्चर है। अच्छा, इसी साल मुंबई इंडियंस की टीम ने जोफ्रा आर्चर को खरीद लिया था, बनस्पत मुंबई को यह पता था कि जोफ्रा आर्चर इज नॉट गोइंग टू प्ले इन 2022, लेकिन 2023 में खेलेंगे, क्योंकि 2023 के लिए कंफर्मेशन है, और मुंबई इंडियंस की टीम इसके लिए कमर कसकर बैठी हुई है कि कब जोफ्रा आर्चर आए और कब जसप्रीत बुमराह को एक तेज गेंदबाज साथी मिले। तो जोफ्रा आर्चर वापसी करेंगे, पिछला सीजन से एक सीजन पहले खेले थे, इस साल नहीं खेले थे, अगले साल वापसी करेंगे। तीसरे खिलाड़ी है दोस्तों इस लिस्ट में हमने रखा है, द क्रिस गेल को। क्रिस गेल खुद बोल चुके हैं कि भैया उनको वापसी करनी है। क्रिस गेल खुद बोल चुके हैं कि ही वॉन्टेड टू कम बैक इन इंडियन प्रीमियर लीग। हालांकि उन्होंने आरसीबी की थोड़ी बहुत बुराई भी कर दी, बट इतना जरूर तय है दोस्तों कि क्रिस गेल अगले आईपीएल सीजन में हुंकार जरूर भरते हुए नजर आएंगे। अच्छा, इस साल भी हमने देखा कि अनसोल्ड फैक्टर की तरफ ये लोग बड़े, क्रिस गेल बड़े थे, और दूसरी बड़ी चीज क्रिस गेल के खिलाफ चली गई थी कि टीमों को इन पर इंटरेस्ट नहीं था, बट ऐसा लग रहा है कि इस साल कई सारे बड़े विदेशी फ्लॉप हुए हैं, तो क्रिस गेल पर वापस इंटरेस्ट जग जाए। मुंबई इंडियंस की टीम शायद खरीद ले, क्विंटन डी कॉक नहीं थे इस साल तो दिक्कत हुई थी, अपर ऑर्डर में एक विदेशी ओपनर की जरूरत थी, तो देखते हैं क्या क्रिस गेल को बंबई खरीदती है। चांसेस आर लेस क्योंकि उम्र ज्यादा हो गई है, बट फिर भी हमने मुंबई इंडियंस का नाम रखा है क्योंकि प्रोबेबल मुंबई हो सकती है जो क्रिस गेल के पीछे जा सकती है। चौथे खिलाड़ी इस लिस्ट में सुरेश रैना। दोस्तों सुरेश रैना इस साल नहीं बिके थे, और नहीं बिकने के कारण कई सारी बातें उन्होंने बोली जरूर, लेकिन एक चीज जरूर समझ में आई कि उनकी कमी हमें खलती हुई दिखी, क्योंकि रैना के पास अभी इतना क्रिकेट तो बचा हुआ है कि आने वाले 2 से 3 सालों तक तो इंडियन प्रीमियर लीग में खेल जाए। बहुत सारे प्लेयर्स खेले हैं और बहुत अच्छी उम्र तक खेले हैं, तो रैना की वापसी संभवतः नजर आ रही है, और मेरे हिसाब से शायद चेन्नई सुपर किंग्स या एक और कोई सी टीम, ये 2-3 टीमें रैना में 2023 के लिए इंटरेस्टेड रह सकती है। इस साल कॉमेंट्री बॉक्स की शोभा बढ़ा रहे थे सुरेश रैना, बट एक चीज जरूर हम बोल सकते हैं कि रैना की वापसी ऑल दो हमें बहुत ज्यादा कीनली नजर आ रही है। पांचवे खिलाड़ी दोस्तों जिनको हमने इस पूरी लिस्ट में जगह दी है, स्थान दिया है, वह दोस्तों सैम करन। सैम करन इस साल नहीं खेले थे, चोट के चलते नहीं खेले थे, हालांकि चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने इन्हें निकाला था, और जो मसला हुआ था हमें पता है कि इंग्लैंड के बहुत सारे प्लेयर्स आईपीएल को छोड़कर गए थे, बट सैम करन ने बीच आईपीएल में एक चीज कही थी, उन्होंने कहा था कि वो तो आईपीएल खेलना चाहते हैं बट उनकी चोट इसे गवारा नहीं कर रही है। अब क्योंकि रियल रीजन है आईपीएल के साथ एक लॉयल्टी बनी हुई है सैम करन की, तो हो सकता है इनकी वापसी और होगी तो चेन्नई की टीम में ही होगी, क्योंकि ऑलरेडी रिटेंशन इनकी चेन्नई सुपर किंग्स में थी पिछले साल भी, तो सैम करन की एंट्री चेन्नई सुपर किंग्स में बड़े ही ठोक बजाकर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2023 में। अब देखो रीबिल्डिंग फेज में वैसी चेन्नई सुपर किंग्स की टीम है, और सैम करन जैसे प्लेयर्स इस रीबिल्डिंग फेज को बहुत अच्छे से चला सकते हैं, तो मेरे हिसाब से पांचवें प्लेयर सैम करन होंगे जो 2023 में वापसी करेंगे। छठवें प्लेयर होंगे दोस्तों एबी डिविलियर्स। नाउ एबी डिविलियर्स ऑफिशियली कंफर्म दैट ही इज गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ आरसीबी एट सम कैपेसिटी। तो इन्होंने जो बयान दिया इसको समझ लीजिए, देखो सबसे बड़ी चीज तो जुड़ेंगे,
100% 2023 में एबी डिविलियर्स आरसीबी की जर्सी में देखेंगे, एक चीज तय हो गई। दूसरी बड़ी चीज है दोस्तों सम कैपेसिटी, मतलब या तो यार खिलाड़ी के रूप में जुड़े, या हो सकता है कप्तान के रूप में जुड़ जाए, या हो सकता है मेंटर के रूप में जुड़े, या हो सकता है डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट या कोच के रूप में जुड़े, या फिर असिस्टेंट कोच, या फिर भाई वहां पर बैठ जाए आइकन प्लेयर बनकर। तो देखो एबी डिविलियर्स किसी भी रोल में जुड़ सकते हैं, एट सम कैपेसिटी इज गोइंग टू प्ले द इंडियन प्रीमियर लीग नेक्स्ट सीजन, और चांसेस किसके ज्यादा है ये तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। किस रोल में एबी डिविलियर्स अगला आईपीएल खेलेंगे, जुड़ेंगे, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। सातवें खिलाड़ी दोस्तों जिसको हमने इस लिस्ट में रखा है वो है द शाकिब अल हसन। शाकिब अल हसन इस साल ले गए थे, इस साल अनसोल्ड हुए थे, और जब अनसोल्ड हुए थे तो बहुत सारे सवाल भी उठे कि आखिर सर क्या हो गया भैया कि इतने अच्छे ऑलराउंडर को अनसोल्ड कर दिया गया, क्योंकि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से भी रिपोर्ट्स अच्छी नहीं थी। बट नेक्स्ट सीजन में शाकिब अल हसन की एंट्री हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि 10 टीमें हो गई हैं और ऐसे ऑलराउंडर्स इस साल सक्सेसफुल रहे हैं, स्पेशली हमने हसरंगा को देखा है। तो लेट्स सी दोस्तों, हालांकि हसरंगा प्योरली बॉलिंग साइड पर गए लेकिन ये तो ऑलराउंडर भी प्रदर्शन कर सकता है। अच्छा 2019 में बहुत चले थे और उसके बाद लग रहा था कि एक दो सीजन तो खेलेंगे, बट 2022 में एकदम से गायब दिखे हसन। लेट्स सी बांग्लादेश का ये शेयर कब तक वापस आता है, लेकिन उम्मीद है 2023 में। आठवें प्लेयर है दोस्तों ओयन मॉर्गन। यार देखो जब से कप्तानी की डिमांड बढ़ी है ना, ओयन मॉर्गन की डिमांड बढ़ी है। अच्छा इस साल भी मेरे को उम्मीद थी कि ये बिक जाएंगे, बिकॉज यार कैप्टेंसी की डिमांड तो थी। अब यार देखो पंजाब किंग्स की टीम इन पर एक्सपेक्टेशन रख सकती, इनको खरीद सकती, क्योंकि मयंक अग्रवाल शायद वो फैक्टर ना दे, केकेआर खरीद सकती, चेन्नई सुपर किंग्स को भी कैप्टन की जरूरत है। तो 2023 बेहतर होगा ओयन मॉर्गन के लिए, इस साल बिके नहीं थे। और मुझे बड़ी हैरानी हुई कि ओयन मॉर्गन कैसे आईपीएल में नहीं आए, किसी ना किसी रोल में किसी भी तरह से ओयन मॉर्गन की जगह तो बनती है, क्योंकि कई ऐसे प्लेयर खेल रहे हैं जिनकी जगह नहीं बन रही भैया। तो मेरे हिसाब से ओयन मॉर्गन आठवें प्लेयर हमने इस लिस्ट पे जगह दी है। नौवें प्लेयर है दोस्तों क्रिस लिन। यार क्रिस लिन को तो भूल ही गए हम लोग, केकेआर के हवाले से बहुत चलते थे 2 साल पहले तक, उसके बाद मुंबई में आए, एक सीजन मौका नहीं मिला, फिर अनसोल्ड हो गए। तो यार इनकी वापसी एक्सपेक्ट हो रही है, क्योंकि अब पुराने शेरों की जरूरत भारत की पिचों पर पड़ेगी। वो खिलाड़ी जो भारत की पिचों पर चलते थे अब उनको लेके आना पड़ेगा, और केकेआर एमआई दोनों ही क्रिस लिन की तरफ देखेंगी, क्योंकि 2 से 3 सालों से हम देख रहे हैं कि यूएई में आईपीएल हो रहा है और उन पिचों पर लिन का प्रदर्शन वैसा रहा नहीं है। तो अब भारत में हो रहा है, अब लिन की वापसी एक्सपेक्टेड बहुत हद तक, क्योंकि क्रिस लिन जैसे T20 बल्लेबाज आते नहीं है, ये आपको भी पता है। दसवें प्लेयर दोस्तों जिनको हमने इस लिस्ट में जगह दी वो एडम जेम्पा है। एडम जेम्पा कभी आ रहे हैं, कभी नहीं आते हैं, कभी खेलते हैं, कभी नहीं खेलते हैं, लेकिन इस साल जो स्पिनर्स का प्रदर्शन हमने देखा, युजवेंद्र चहल चले, हसरंगा चले, कुलदीप यादव चले, स्पेशली विदेशी स्पिनर हसरंगा के रूप में जो दिखा है, अब टीमों का रुझान एक अच्छे विदेशी स्पिनर के रूप में की तरफ होगा, और एडम जेम्पा से अच्छा विकल्प मुझे नहीं लगता कि कोई हो सकता है। तो एडम जेम्पा 10th प्लेयर इस लिस्ट में। तो भैया ये 10 खिलाड़ी है जो आईपीएल 2023 में वापसी करते हुए नजर आएंगे और फिर से अपनी अपनी टीमों का हाथ पकड़ेंगे। आप कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए इनमें से किस खिलाड़ी को देखने के लिए आप बेताब हैं। यूट्यूब में कमेंट बॉक्स आपके लिए दिया, कमेंट जरूर कीजिए। टेलीग्राम पर जरूर फॉलो कर लीजिए, द रियल एमसीपी सर्च कीजिए, गूगल पर जाकर मिल जाएगी लिंक, ऑथेंटिक रास्ता। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए।